हे गाइज, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप लोग? फाइनली गाइज, एक और मैच लेके आ गया हूँ मैं तुम लोगों के लिए 1v1 TDM सीरीज का, जो कि होता है हमारे सब्सक्राइबर के बीच। एंड आज का मैच होने वाला है गाइज मेरे और मॉर्गन वाइपर के बीच। एंड सेकंड थिंग गाइज, अकॉर्डिंग टू मी गाइज, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ 1v1 TDM में या फिर TDM मैच में M24 खेलना। उसका भी एक वैलिड रीजन है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं खेलना चाहिए TDM में M24 को। एंड गाइज, अगर आप लोग खेलना चाहते हैं 1v1 TDM मैच मेरे साथ, तो आप लोगों को चैनल के अबाउट सेक्शन में गेम आईडी मिल जाएगी, वहां जाकर के मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। एंड अपना नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मेरा नेक्स्ट मैच आपके साथ हो। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों मैं M24 को TDM में कंसिडर नहीं करता। तो गाइज, अगर आप लोगों को याद होगा, जब TDM लॉन्च हुआ था उससे पहले PUBG मोबाइल में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मिनिमम वेज हुआ करते थे। या तो हम वॉर खेला करते थे, या ट्रेनिंग में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे, या फिर क्विक मैचेस खेला करते थे। बट जैसे ही TDM आया गाइज, तो कुछ और चेंजेस आ गए, हम प्रैक्टिस और अच्छे लेवल पर कर सकते थे। रीज़न ये है गाइस कि जब हम TDM मैचेस खेलते हैं तो उसमें बहुत सारी गन्स मिलती हैं, AR भी मिलती है, SMGs भी मिलती हैं, एंड जो एनिमीज़ आपके सामने आते हैं
वो गाइस ऑनलाइन प्लेयर्स ही होते हैं और उनको हमें डिफेंड करना पड़ता है, जिससे हमारी स्किल इम्प्रूव होती है। M24 में मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की स्किल्स अप हो पाती हैं, क्योंकि जितने भी हम क्लासिक मैचेस खेलते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, उसमें हमें मोमेंट की और एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि AR के खेलने से आती है। इसलिए गाइस मैं M24 को कंसिडर नहीं करता हूँ, AR को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। वैसे ये मेरी सोच है, आप लोगों का इसमें क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस लाता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।